सो किड्स कीप दिस थिंग इन माइंड दैट फ्रैक्शन जस्ट रिप्रेजेंट इक्वल पार्ट्स। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जो फ्रैक्शन है वो क्या शो करती है, क्या रिप्रेजेंट करता है, वो दो इक्वल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करती है। ओके सो किड्स व्हाट इज फ्रैक्शन? आपने ये डेफिनेशन राइट करनी है। लुक, फ्रैक्शन, व्हाट इज फ्रैक्शन? अ नंबर दैट एक्सप्रेसेस इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट और सेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? जो भी कोई चीज एक से कम होगी। सो वन आई नीड टू रिप्रेजेंट समथिंग विच इज लेस देन वन, आई यूज फ्रैक्शन। जो कि एक से कम होगी तो मैं उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में यूज करूंगी, मैं फ्रैक्शन यूज करूंगी। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ इंटायर थिंग्स एंड इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट क्वान्टिटीज विच आर लेस देन वन। एक से कम जब चीज़ें होती हैं, जब हमने उनको रिप्रेजेंट करना होता है, उनको जब हमने शो करना होता है, तो हम फ्रैक्शन यूज करते हैं। आई हैव ब्रोकन दैट एप्पल इंटू टू इक्वल पार्ट्स। मैंने उस एप्पल को ब्रेक किया, उसको मैंने तोड़ा, उसको मैंने कट किया इक्वल पार्ट्स में। एंड ईच पार्ट कैन बी रिटन एज, हर जो पार्ट है वो कैसा लिखा जाएगा? 1/2। 1/2 इज आल्सो कॉल्ड हाफ। इसको 1/2, ये हमने मैथमेटिकली फ्रैक्शन को राइट किया, इसको हाफ भी कॉल करते हैं। सो लुक किड्स, ये HAL, हाफ। जब इस फॉर्म में हम राइट करेंगे सो इट मीन्स हाफ। सो लुक एट दीज शेप्स, इन शेप्स को देखें किड्स। आई हैव डिवाइडेड देम इक्वली, ये होल शेप है। आई हैव डिवाइडेड देम इक्वली इंटू टू इक्वल पार्ट्स, मैंने इनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। कलर्ड पोर्शन इज वन, कलर्ड जो पोर्शन है वो एक है आउट ऑफ टू इक्वल पार्ट्स। कलर पोर्शन जो है वो वन है आउट ऑफ टू इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट्स में। ये पार्ट है एक पार्ट होल, ये एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक पूरा सर्कल है, और इसके जो होल, जो सारे के जो पार्ट्स हैं, ब्रोकन पार्ट्स हैं, दीज आर टू। सो किड्स होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा दैट फ्रैक्शन जस्ट रिप्रेजेंट इक्वल पार्ट्स, के फ्रैक्शन जो है वो जस्ट इक्वल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करती है। यही शेप्स अगर इक्वली, और यही एप्पल फॉर एग्जांपल, मैं आपको ये अगेन बता देती हूँ, यही अगर मैं इसको कट करूँ, इसको मैंने कट किया, ये देखें, अब ये एप्पल है, इसको मैंने कट किया इस तरह से, तो ये कटिंग फॉर्म में तो है और इसके पार्ट्स भी टू हैं, दो पार्ट्स में डिवाइडेड भी है, लेकिन मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं राइट कर सकती, 1/2 में नहीं राइट कर सकती, क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में नहीं है। आप इसको चेक कर सकते हैं, ये ऐसे, ये देखें, ये इक्वली डिवाइड नहीं हुआ, सो मैं इसको फ्रैक्शन में नहीं राइट कर सकती। सो दिस इज नॉट हाफ पार्ट, ये आधा पार्ट नहीं है, सो ये फ्रैक्शन में नहीं राइट होगा, नहीं काउंट होगा। सो किड्स अबाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल, आई हैव